मुझे उनसे शादी की बात करनी है। शादी की बात? यस। क्या बात है बनारसी? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते साहब, ये आपसे शादी की बात करने आए हैं। शादी की बात? बनारसी जी साहब, ये बंदूक ले जाओ और सुनो जी साहब, इनके लिए एक ठंडा ग्लास लस्सी का ले आओ, पंजाब रेजिमेंट। गो जी साहब। आइए चलिए यहाँ से, यहाँ से। अब आप ये बताइए कि आप लड़की के लगते क्या? लड़की अच्छा खैर कुछ भी लगते हो, एक बात आप गौर से सुन लीजिए, मैं लड़की को देखे बगैर, पसंद किए बगैर ये शादी की बात पक्की नहीं करूंगा। बात क्या है? बात क्या है मिस्टर देवानंद? आनंद, आनंद, आनंद मंगेशकर। बात क्या है आप सुन लीजिए, लड़की देखने में कैसी है, पढ़ी लिखी है कि नहीं, घर का काम काज जानती है कि नहीं, आफ्टर ऑल मैं भी जो हूँ आर्मी का एक्स मेजर सर्जन हूँ, आर्मी मुझसे रिश्ता तोड़ चुकी है, लेकिन मैं भी जवान हूँ, हैंडसम हूँ। लगता है आपके घर में आईना नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप अपने आप को आईने में देखकर अपनी शादी की बात नहीं करते। बनारसी अब लस्सी, लस्सी ले जाओ, बंदूक ले आओ, बंदूक। देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक लेखक हूँ, मेरा दिल बहुत नाजुक है, आपने ये बंदूक क्यों मंगवाई? इसलिए कि तुमने एक मिलिट्री मैन की तौहीन की, और किसी भी मिलिट्री मैन की तौहीन करना देश के गौरव की तौहीन करना है, इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप अपने आप को किसी इम्पोर्टेंट आईने में देखते तो आपको और पता चलता आप कितने हैंडसम और जवान हो, कोई भी लड़की आपके साथ शादी करके अपने आप को खुशकिस्मत समझती। अच्छा? हाँ, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कोई बहन या बेटी है ही नहीं। तो फिर तुम किसकी शादी की बात किए जा रहे हो? मैं तो सागर और कविता की। ओहो, तो पहले क्यों नहीं बताया, सागर तो बहुत ही अच्छा लड़का है और कविता और मुझे दोनों को बहुत पसंद है। साहब बंदूक, बंदूक कैंसिल, लस्सी ले आओ। जी साहब। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझो? हाँ पक्का पक्का पक्का। आइए बैठिए।